नमस्कार, लोक कल्याण कार्यक्रम को स्वागत करुच्छी मु लालमोहन। 75 वर्ष रे आम स्वाधीनता गणतंत्र 7.5 दशंधि विकास यात्रा ग्राम सभा पंचायत रु संसद लोकमत ही सबुठ पूरण हो लोक आकांक्षा सरकार को माळमाळ योजना प्रति सप्ताह गोटे सरकारी योजना को नहीं आम लड़बू आपण मत सरकार फेल पास आवरेज ना एक्सलेंट आपण करेंगे आकलन यह आम विशेष कार्यक्रम लोक कल्याण। आज आम लोक कल्याण देखा प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना माछ आनी देछि रोजगार केउंटी पोखरी तो आउ केउंटी नदी समुद्र कूल व्यवसाय पलटि मत्स्य चाष चाषी दि पैसा पाउछि परिवार चलाउछि देशर लक्ष लक्ष मत्स्यचाषी को आउ टिके प्रोत्साहन देबापै मोदी सरकार आणिले प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना। देशर अनेक मत्स्यचाषी सामिल हेले ए योजना रे किंतु ओडिशा रे स्थिति किछ अलग सुदीर्घ बेलाभूमि नदी पोखरी थिबा सते मध्ये मत्स्यचाषी माने यार फायदा उठाई पारिनांदि माछ चाष पई ओडिशा रे उत्तम परिवेश अछि हेले आमको काहेकि आंध्र प्रदेश उपर निर्भर करबाकु पडुछि ताहाबे बड़ प्रश्न होई छेडा होछि। माछ उत्पादन रे पछरे पडिछि ओडिशा राज्य सरकार एहाको गंभीरतार सह चिंता करिवार समय आसि नै कि मत्स्य संपद भारतर अमूल्य संपद देशर अनेक मत्स्यजीवी परिवार एहाको नै व्यवसाय करंती गाँ सहर सबुठी माछ चाषर सुविधा एक सहज एवं लाभदायक व्यवसाय जहाँ केवल माछ चाषीर आर्थिक संबल को सुदृढ़ करनी बरं देशर अर्थनीतिर मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछि। पोखरी हेउ किंबा आधुनिक ज्ञानकौशल माछ चाषक अग्राधिकार भित्तिरे चाष करुछंती माछ चाषी तबे एहाको आउ दुई पाद आगको बढ़ाइबा पई अधिक प्रभावशाली करबा पई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजनार शुभारंभ करथिले 10 सेप्टेम्बर 2020 डिजिटल व्यवस्था रे आरंभ होइथिला ए योजना। आज जितनी भी ये योजनाएं शुरू हुई हैं, उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। कोशिश ये है कि अब इस सदी में ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम, स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद उत्पादन से जुड़े काम हमारे गांवों को और समृद्ध और सशक्त करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना देशर मत्स्य उद्योग क्षेत्र रे निरंतर विकास साधन पई उद्दिष्ट केंद्रीय कार्यक्रम गत 2020-21 आर्थिक वर्ष रु 2024-25 पांच वर्ष मध्य रे एही उद्योग रे 20,050 कोटी टंका विनियोग करिवार लक्ष्य रखा जायछि। आत्मनिर्भर भारत पैकेज माध्यम रे एही अर्थ सब राज्य एवं केंद्र शासित अंचल रे विनियोग हेबो। मत्स्य उद्योग पई एही व्यय अटकळ ए जाय सर्वबृहत एथि मध्यरु 12,340 कोटी टंका सामुद्रिक ओ अंतरदेशीय मत्स्यचाष तथा संपृक्त हिताधिकारीको उन्नति पई खर्च करा जीवो। अवशिष्ट 7,710 कोटी टंका मत्स्य उद्योग रे भित्तिभूमि विकास पई व्यय हेबो। आज देश के 21 राज्यों में इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। अगले 4-5 वर्षों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1,700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है। इसी के तहत ही बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ए मत्स्य संपद योजना माध्यम रे सरकार 2024-25 आर्थिक वर्ष सुधा अतिरिक्त 70 लाख टन माछ उत्पादन करबाकु लक्ष्य रखिछन्ति। एहा छडा एही समय मध्यरे देशर माछ रप्तानी जनित आय 1,00,000 कोटी टंका रे पहुँचेबाकु मध्य लक्ष्य रखा जायछि। एही योजना रे मत्स्यजीवी एवं माछ चाषीक आय
द्विगुणित करने माछ अमल परवर्ती क्षति को 10% भितर रखा लक्ष्य रखी एवं संरक्षण व्यवस्था नथिबारु उत्पादित माछ मध्यरु 20-25% पचिसढ़ी जाउछि। मत्स्य उद्योग में पूंजी निवेश बढ़िले एक क्षेत्र में अधिक निजुक्ति सुजोग मध्य सृष्टि हो पार फल लोकंकु रोजगार मिल पार। मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। इससे खेती के साथ ही अन्य माध्यमों से भी कमाई का अवसर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में थिबा प्रमुख अभाव और असुविधा दूर करने पर उद्दिष्ट। उत्पादन वृद्धि, उत्पादित सामग्री मान, टेक्नोलॉजी प्रयोग, माछ धरा परवर्ती संरक्षण निमन्ते ताहार परिचालना, एक क्षेत्र आधुनिकीकरण एवं वैल्यू चेन प्रतिष्ठा आदि उपरे ए योजना गुरुत्व देउछि। माछ धरिबा ठारु बिक्री बटा पर्यंत समग्र व्यवस्था रे जे भित्तिभूमि रो अभाव रहिछि ताहा दूर करबा पई मध्य योजना रे व्यवस्था रहिछि। नील विप्लवर लाभ को अधिक सुसंगठित करबा सहित एथिरे अधिक रो अधिक सुविधा लोकंकु जोगाइ देबाकु उद्यम करा जाइछि। माछ चासी एवं व्यवसायीकु माछ धरा डंगार बीमा, एसबु डंगार विकास, बायो टॉयलेट्स, लुणा पानी रे माछ चास, सागर मित्र, EFPCS, क्षुद्र ब्रीडिंग सेंटर, माछ और माछ चाष स्टार्टर, इनक्यूबेटर, इंटीग्रेटेड एक्सा पार्क, समन्वित उपकूल माछधरा ग्रामर विकास, आक्वाटिक लैबोरेटरी व्यवस्था, सर्टिफिकेट और अक्रेडिटेशन व्यवस्था, केज कल्चर, ई ट्रेडिंग और मार्केटिंग एवं फिशरी मैनेजमेंट आदि क्षेत्र में सरकार हिताधिकारी सहायता जोगाई देवा योजना करिछंती। प्राथमिक भाव क्लस्टर बा अंचल भित्तिक पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। एथिरे जोगाजोग सुविधा थिबा उपयुक्त अंचल बाछि सेठारे माछ चास क्लस्टर मान तयारी होइछि। सीवीड ओ ऑर्नामेंटल फिश चास करा जाय सेथिरे लोकंकु निजुक्ति देबार व्यवस्था करा जायछि। एहि सब चास पई मत्स्य चासी जेपरि उत्तम मानर बिहन, माछ खाद्य, विपणन ओ अन्यन सुविधा पांति ता सुनिश्चित करा जायछि। नजर पकांदु देशरे माछ उत्पादनर संख्या उपरे 2016-17 में 114.31 लाख टन माछ उत्पादित होता बेले 2017-18 में यह संख्या हूँ 127.04 लाख टन, 2018-19 में 135.73 लाख टन माछ उत्पादित हो, 2019-20 में 141.64 लाख टन माछ उत्पादित हो, 2020-21 में 147.25 लाख टन माछ उत्पादित हो। प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना रे सामाजिक एवं आर्थिक अनग्रसर मत्स्यजीवी मानक पई जीवन जीविकार व्यवस्था रही है योजना रे। विशेष करी माछ चाष बंद रहुथवा समय रे एही सहायता प्रदान करा जाउछि। जणे माछ चाषींकु 4500 टंका दिया जाउछि, एहा मध्ये रे 3000 टंका केन्द्र सरकार देबे, 1500 टंका हिताधिकारी देबे। माछ चाष बंद रहुथवा सेही 3 मास पई एही परि अर्थराशि मिलिबो। मत्स्य चाषींकु पई इन्सुरेंस भितरे रहिछि 5 लाख टंका। दुर्घटना रे मृत्यु हेले किंवा सबुदिन पई विकलांग हेले एही बीमा अर्थराशि मिलिबार व्यवस्था होइछि। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी पई 2,50,000 टंकार बीमा राशि रहिछि। दुर्घटना हेले हॉस्पिटल खर्च बाबदकु रहिछि 25,000 टंका। प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना रे 2020-21 रे 13,04,733 जन मत्स्यजीवी पंजीकृत करथिबा बेले 2021-22 रे 6,48,462 जन मत्स्यजीवी पंजीकृत होइछन्ति। ए मत्स्य चाषी मानक माछ चाष बंद रही बेले समस्त आर्थिक सहयोग प्रदान करा जाउछि। एबे नजर पकांतु ओडिशा को एही योजना रे केते अर्थराशि मंजूर होइछि एवं केते अर्थराशि रिलीज होइछि। 2020-21 आर्थिक वर्ष रे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट थिला 21,625 लाख टंका। 2021-22 आर्थिक वर्ष रे एहा थिला 22,530.1 लाख टंका। 2021-22 रे फंड रिलीज होइतला 3,995.82 लाख टंका। 2021-22 रे एही राशि थिला 5,968.16 लाख टंका। फिशरी के लिए जो बिल्कुल अच्छा माहौल वातावरण है वो उड़ीसा के अंदर है और उड़ीसा को टॉप में होना चाहिए था फिशरी के। लेकिन दुख की बात है कि आज आप सीड तो मंगाते हैं बंगाल से और फिश मंगाते हैं आंध्रा और तेलंगाना से। ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है। कहां तो उड़ीसा को पूरे देश को
नंबर वन होना चाहिए था पूरे देश में। अगर किसी स्टेट को चाहिए फिश तो उड़ीसा से मंगाए, और कहाँ उड़ीसा अपने लायक भी फिश पैदा नहीं करता, उड़ीसा बाहर से मंगाता है। माछ चाष पई ओडिसा रे उत्तम परिवेश अछि, हेले आमे काहे के आंध्र प्रदेश उपर निर्भर करूछु। माछ उत्पादन रे पछरे पड़ितबा आम राज्यर संभावना को सरकार को एमिति ढंगरे मन पकाइ दैछन्ति केन्द्र मत्स्य पशु संपद विकास राष्ट्रमंत्री। एनी सरकार गंभीरतार सह चिंता करिवार समय आछि बोली कहिछन्ति केन्द्र मंत्री। इस बार हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लेकर आए हैं, और ये भी करीब 20,000 करोड़ की एक योजना है जो इस बार है। तो आप कह सकते हैं जिस मंत्रालय को कभी कोई पूछता नहीं था, और जो किसान के और गरीब किसान के बिल्कुल आपके पास आंध्र और तेलंगाना से ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज हैं। मुझे दुख है कि उड़ीसा के पास इतने वाटर रिसोर्सेज है। ईश्वर ने हमें बहुत अच्छी ज़मीन दी है, ऐसी ग्रीनरी और कहीं नहीं दिखाई नहीं देती देश में जैसे उड़ीसा में, और झील तालाब नदियाँ यहाँ से शुरू होना है। देखिए होना तो यहीं से चाहिए था, और आज दुर्भाग्य है कि उड़ीसा मछली को आंध्र प्रदेश से लेकर आता है और सीड को बंगाल से लेकर आता है। क्यों? यही दुख की बात है, जो हमें काम करना चाहिए था। हमारे पास रिसोर्स है, हम वो काम नहीं कर पाए। किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, फिर भी हम आंध्र प्रदेश से कोस्ट लाइन के साथ साथ आपके पास अंडरग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज हैं, आपके पास बारिश अच्छी होती है, आपके पास डैम है, आपके पास लेक्स हैं, आपके पास रिवर हैं। सरकार के मनोभाव कम है। हाँ, वो उतना फोकस नहीं रहा सरकार का, जिस तरह से सरकार को काम करना चाहिए था उतना नहीं रहा। बहुत सी प्रदेश सरकार है, फिशरी का कोई बजट आएगा तो आंध्रा का और तेलंगाना का तुरंत प्रोजेक्ट आएगा, उड़ीसा का प्रोजेक्ट आने में बहुत समय लगता है, और प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में और ज़्यादा समय लगता है। माछ चाषी आम राज्य में सरकार को प्रोत्साहन कथा बुझा को आम पहुँचल पूरीर पिपिली बार एकर परिमित पोखरी पूर्व माछ चाष करुवा चाषी सुरेन्द्र एवं माछ चाषर मुह फेर शुणु माछ चाष नहीं सरकार को प्रोत्साहन नहीं कौन कहते सुरेन्द्र बिल सरकारी पोखरी आम नहीं बार एकर बहुत भल दी पैसा लाभ पाई किंतु सरकार आग्रह ना कि प्रोत्साहित ना से करवाईका बर्तमान सरकार प्रोत्साहन ना तापर आमर भी से ये ना पैसार अभाव रोचार पापाग बहुत अनुकूल माछ चाष करने का आमर बहुत बेलाभूमि बर्तमान पड़ी खालुआ अंचल आमर अच्छी जहाँकि अल्प किसी कम कर गाड़िया पोखरी कर दिया जाए तो बहुत दी पैसा रोजगार हम किंतु सरकार कि आंतरिकता रोनी तेणुकारी आम भी किसी कर। मैं यही कहूँगा कि हम मदद करते हैं फाइनेंशियली प्रदेश सरकार होगी, हम पॉलिसी बनाएंगे उनके लिए, हम उनको साइंटिफिक एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन काम है प्रदेश सरकार को करना है, तो शायद उतना काम नहीं हो पाया उड़ीसा में जितना होना चाहिए था। आश्चर्य कथा पशु संपद विकास अन्य राज्यगुड़िक निज हक दिल्ली दरबार में दाबी रखुवा बेले ओडिशार कौन से मंत्री कि अधिकारी 8 वर्ष भितर दिने भी साक्षात करना बाल्या। मैं तो उड़ीसा की एक बात और कहूँगा आपको, हो सकता है कुछ लोगों को ये वो लगे, मैं 8 साल से हूँ इसी मंत्रालय में करीब करीब, पहले एग्रीकल्चर में था तो भी इसमें था। सब प्रदेशों से मंत्री आते हैं, अधिकारी आते हैं बजट के लिए बात करने के लिए, हम मिलते हैं आपस में, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, ये हो मेरी सरकार, मेरी पार्टी की सरकार हो या किसी और पार्टी की सरकार हो। आपको शायद सुनकर अजीब लगेगा कि इन 8 सालों में मैं गुजरने उड़ीसा के कभी किसी कृषि एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। तो उड़ीसा को फिशरी का हब होना चाहिए था, उड़ीसा को पूरे देश को फिशरी खिलानी चाहिए, देनी चाहिए और एक्सपोर्ट करनी चाहिए, और आज स्थिति है कि हम फिश सीड भी हम बंगाल से लेकर आते हैं, तो वाकई सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। ये सेक्टर ऐसा है कि उड़ीसा में जो गरीब किसान है उसका अगर हम बाहर निकाल सकते हैं गरीबी से, तो एनिमल्स हस्बेंड्री डेयरी और फिशरी से निकाल सकते हैं, तो ये प्रदेश सरकार को ही सलाह दे सकते हैं, हम तो सलाह दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ नोटिस जारी किया था ये इंडिजिनस कैटल को लेकर, सब राज्य और केंद्र सरकार को क्यों घट रहा है इंडिजिनस? देखिए लगातार रिट दायर होती हैं, घटने का कारण ये था मैंने बताया कि हमारी पिछले 40 साल तक पॉलिसी माछों पर एवं भी आंध्र पर निर्भरशील उड़ीसा पश्चिमबंग आसुची माछ जाल ओडिशा रे सुदीर्घ बेलाभूमि रही नदी पोखरीर संख्या भी कम नुहे केन्द्र सरकार को तरफ जी सहायता मिलवा कथा ता मिलू कि आंतरिकतार अभाव सठिक भाव कार्यकारी हो पार नहीं योजना। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇଥିବା କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ କେମିତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ 5-7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିଲି, ସେଥିରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇନଥିଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ନା ସରକାର କିଛି ଏଥିରେ ସବସିଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି ଅଟୋ ପାଇଁ, ଏବଂ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ପାଇଁ ବି ପୋଖରୀ ଖନନ ପାଇଁ କିଛି ସବସିଡ଼ ଅଛି, ଏବଂ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ବି ସବସିଡ଼ରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଥିରେ ଚାଷ କରିକି ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବି। ଆଗରୁ ହୋଇନଥିଲି, ଏବେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବି, ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରେଇବି। ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷରେ ସାମିଲ କରେଇକି ଉପକୃତ କରେଇବି। କାହିଁ କିଛି ତ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିନୁ। ଅଫିସ କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ତା ବିଷୟରେ। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଅବଗତ ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ଆଜତକ ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମୋତେ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ରହିଲିଣି, ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବୁ ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିବେ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିଲେ କହିଲେ ଆମକୁ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିକି କିଛି ଆଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଦେଖିକିରି ଭାବିଲୁ ହଁ ଆମର ତ ଜାଗା ଅଛି କରିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ହଁ ଆମେ ବୁଝି ବୁଝା କରି ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ, ତାପରେ ତ୍ରିଶରୀ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ବୁଝାବୁଝି କଲୁ, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ସୁବିଧାରେ ସବୁ ବତେଇ ବୁତା ଦେଲେ, ଲୋନ୍ କରେଇଦେଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବି ଭଲ ସୁବିଧାରେ ବି ପଇସାଟା ପାଇଲୁ, ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପୁଣି କଲେ ଯାହା ଯେମିତି ହେବ ଆଉ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫିସରୀ ବାଲେ ବାଇପ୍ଲଗ୍ ହିସାବରେ ସେଟା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ତାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଇଏ ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସୁଛି ମାଛ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିଦେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ, ଏବଂ ନିଜେ ବି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚଳିପାରନ୍ତେ, ଏଇଠାକାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ମୁଁ ଏହି ପୋଖରୀରେ କରୁଥିଲି 11-16 ଯାଏଁ। କେତେ ଏକର ପୋଖରୀ? ଏଇଟା ହେଉଛି ରେକର୍ଡ ହେଉଛି 25 ଏକର, ଏହାର ଯେଉଁ ଅଛି ପୁଣି ଆରମା ମେଳେଇଲେ ଏହାର ହେଉଛି 27 ଏକର 60, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲୁ 25 ଏକର ଉପରେ, 25 ଏକର ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ସେତେବେଳେ ତ ତା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଥିଲା, ଯଦି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଛି ଆମର ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାଛ ଚାଷରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପଛେଇବାର କାରଣ, ମାଛ ଚାଷରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଦରକାର ସେ ଡକ୍ଟରଟା ହଉ କି ରୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ହଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ଟିକେ କମ୍, ସେଇଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ଏକରକୁ ମାଛର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲେ ଯଦି ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିକି ନିଆଯାଏ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିନିମମ୍ 300 ଲିଟର ଉପରେ କହିବେ ଯେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଅ, 300 ଲିଟର ଉପରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଇବାକୁ ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯଦି ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଗାଇଲୁ ସେଇଠି ସେ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କରିଦେଇପାରିବ, 300 ଲିଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମିନିମମ୍ 10-15 ଜଣ, ସେଠି ହେଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଜାଆଁଳ, ଜାଆଁଳର ଏଠି ସେତେ ଠିକ୍ ବଡ଼ ମାଛର ଜାଆଁଳ ଏଠି ମିଳେନି। ଜାଆଁଳ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଜାଆଁଳ ଆସିବ, 2.5 କିଲୋ 3 କିଲୋ ମାଛର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନଟା, ତା'ର ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବନି 700 କିଲୋ, ଏଠି ପ୍ରାୟ 700 କିଲୋ ମାଛକୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିକି ଜାଆଁଳ କରିଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ 30 ଏକର କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମିନିମମ୍ 700-800 ଏକର ଯାଏଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଯେ ତା ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଜଣେ ଜାଣିଥିବେ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ମାଛ ଚାଷ କ'ଣ କରିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନାହିଁ ଆମ ପ୍ରତି, ତେଣୁକରି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ କରିବୁ? ସରକାର ଅବଶ୍ୟ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, TV ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେ ଏଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କଲେ ଚାଷୀ ଆଉ ଅଧିକା ଆଗେଇକି ମାଛ ଚାଷ କଲେ ଲାଭବାନ 2 ପଇସା ହୁଅନ୍ତେ। ତା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ସୁବିଧା କରାହେଇଛି ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, ତେଣୁକରି ଏଠି କେମିତି ଚାଷୀ ଉପକୃତ କ'ଣ ହେବେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ଆସୁଛି କି ନ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଖାଲି TVରେ ପେପର୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ
ते उड़ीसा आगुरु माछ उपरे संपूर्ण अन्य राज्य उपरे आंध्र उपरे निर्भर करथुला जेतले केंद्र सरकार करे ए योजना आसिला प्रत्येक राजस्व ग्राम रे सब लोकंकु मो पोखरी हो किंभा जो बायोफ्लग रहिछि कुंड चाष माध्यम रे आत्मनिर्भरशील करिबा पई ये होची गोटे सुंदर योजना किंतु विडम्बनार विषय ये योजना तलस्तर सब लोकों पाखे जाहची पार नहीं आपण मैंने जी देखिए भंडारी पोखर सेमिति आखिदृशिया सफलता पाई कहले चल पाईना तार कारण मु भावुची राज्य सरकार से गुरुतर सहकार नवा आवश्यक ता छड़ा सबुठ बड़ कथा ब्लॉक प्रशासन जो रे फिशरी डिपार्टमेंट जो मैंने रे ऑफिसर माने से माने प्रत्येक गाँ को जाकि लोक को सचेतन करने दरकार आज्ञा मुझे योजन प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजन अंतर्भुक्त तो होनी सत किंतु ए माने स्कीम विषय किसी माने अवगत अच्छी प्रधानमंत्री कृषक मान बहुत किसी करूँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना अन्यतम यह कृषक मानकर आय को द्विगुणित करने गोटे प्रयास एवं ता सहित भारत वर्ष रे किभली मत्स्य उत्पादन रे भारत एक हब हम ता प्रधानमंत्री एकमात्र लक्ष्य प्रधानमंत्री यह आर्थिक वर्ष 2020-21 आरंभ कर 2024 एवं आर्थिक वर्ष 2024-25 सुधा 20,000-50,000,000,000 टंका पूंजी निवेश करिसंती या ए स्कीम उपर केमिति डेवलप हबो एवं कृषक मानकर आय किपर द्विगुणित हबो एवं भारत वर्ष रे मत्स्य उत्पादन रे 70 लक्ष टन रु अधिक किपर उत्पादन हो पारिबो ता सहित रप्तानी क्षेत्र रे किभली 1,00,000,000,000 टंका रु अधिक टंका आय आसिबो ता उपर ए स्कीमटा आधारित अच्छे आम तो प्रथम आगे से आम निजे पैसा खर्च करूँ से टांगी आम सफलता पाई तापर सरकार सहायतर आम ये चारिटा टांगी आम सरकार देपटा चार्टा टांगी करूँ आ दुटा टांगी देवे बोली भी कही मिले ना दुटा टांगी देवे बोली कही जदि ए किसी पाइन लाभ किसी है आम आगे सरकार चाहमु अधिका सफलता पाया चाहमु सरकार जो आम साब भल कथ आम बेनिफिट पाइप कौन से आम जी जहाँ चाष करूँ लोकसानी होती नदी बढ़ी होती बना होत्या होती कौन सरकार कौन योजना आम कौन लाभवान हो पार्न आमको कौन सरकार संस्था कौन आमको जनाऊना जो तुम मस तुम मस कौन कर सरकार कौन योजना आने किसी आमको जनाऊना क्योंकि आम कौन करूँ आम एम दल काड़ू मछ मारू एम थी आ कौन करूँ तेणु सरकार को जब किसी योजना आसंता कि आमको जनाते ना एम योजना आस बैंक लोन किसी मिले आम तो बैंक गले बैंक कहते ना आम तुम लोन दबुन कहीं तुमको लोन दबु तुम कौन अच्छे आम तुम दबु तेणु आम कौन करूँ आज 20 वर्ष हम मोर मछचाष कर कितु बेनिफिट किसी पाऊन कहीं सरकार बेनिफिट आम पाखे किसी पहुँची पार नहीं मत्स्य संपद विषय जो प्रधानमंत्री योजन रही विषय भी आमको कौन सरकार एफिओ फिशरी डिपार्टमेंट लोक आम पाखे कहीं पहुँची पार ना कहीं आमको ठीक इनफर्मेसन दौना जहाँ पाऊँ ता आज्ञा करूँ तापर ये तो बन्या अंचल जगह गोटे वर्ष जदि आज्ञा पा बुड़ू आउ गोटे वर्ष फाँका रोचे जो वर्ष फाँका रोचे 10-15 हज़ार पाऊँ आज्ञा ता वर्ष 50 हज़ार लस भी करपर एथे कौन हम सरकारी बेनिफिट जदि किसी मिलता आम तादर जाँल छाड़ू कि बड़ करूँ सेमती किसी आमको साम पाक आसुनी आम भी किसी जापरून आज अंधार भितर रहा भाया रोच पाखे पंचायत रही भी सुधा ब्लॉक टू आम पाखे अच्छा कितु अफिसर मैंने किसी साहय करना नहीं आम तो आज्ञा निश्चय दाबी रखू कारण आम लस खाऊ ये तो ये पोखरी हुड़ा आम प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो से तो समस्त अक्सन उपर तो बढ़िकी जी जहाँ पोखरी ने आमर जो स्वयं सहायता तो गोष्ठी को पोखरी दिहाई कि गाँ कमिटी जदि पोखरी नहीं जामें तो से बढ़िकी पाऊन जदि बढ़िकी पाऊ तादेह बेनिफिट करवा आमको बहुत लस हो आजिकल तो सब बढ़ीगला आज्ञा आउ तेल बढ़ला जाँल आम आणबू कलिकतारु ताको एटे छाड़बू छोटू बड़ करूँ ठीक बड़ कला बेलू आज्ञा अगस्ट मस सेप्टेम्बर में बना आसूसी पलाऊँच धोई भी हो जाऊँच बहुत लस होमती ढिपटे पेणिया बड़ धरणर पोखरी जदि अगर कौन जगह था कि सरकार जदि बहुत पोखरी किसी खोलिकी आमको भी दिंते भी आम कि बेनिफिट हूँ दाबी आज्ञा सरकार आम या करूँ जो मत्स्य संपद विभाग जो सब सरकारी संस्था रही सरकारी बाबू मैंने अफिसर मैंने जदि आसिक आमको किसी बाबद आलोचना करते
ଆମେ ବି ସେଥିରୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଲି ମୁଁ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଏମିତି ଆମରି ଭଳି ବହୁତ ମାଛ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ବାଙ୍କି ବି ଗୋଟେ ହେଉଛି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଜାଗା, ଟିକିଏ ହେଲା ମାନେ ପାଣି ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାଆଁଳ ଛାଡ଼ିଥିବୁ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯଦି ସେଥିରୁ ଆମକୁ କିଛି ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ବି ଖୋଳିବା କି ଆଉ କିଛି କରିବା, କି ବନ୍ଧ ଫନ୍ଧ ଆମକୁ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କିଛି ମୁଁ ବୋଲି ନୁହେଁ, ବହୁତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉପକୃତ ବି ହୁଅନ୍ତେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପଶୁ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଦାବି ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଅଧିକାରୀ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିନେ ବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଅଭାବ, ତାହା ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନେଇ। ଆମେ ଆସିବୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।